अब हम इनको बॉर्डर नहीं कहेंगे, अब ये धाम बन चुके हैं। मोदी सरकार ने, हरियाणा की खट्टर सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बयान सप्ते हैं कि 20 अक्टूबर तक अगर बॉर्डरों के रास्ते नहीं खोले गए, मंत्री खट्टर जी को ये बात बताना चाहते हैं, वो झूठ बोलना बंद करें। रास्ते आपने रोके हैं, रास्ते किसानों ने नहीं रोके। करनाल का लाठीचार्ज, लखीमपुर का नरसंहार और तमाम बीजेपी और इनके सहयोगियों के नेताओं के मंत्रियों के बयान और इस तरह की हिंसक घटनाएं और लोकतंत्र के खिलाफ बयान, हम बार बार पूरा देश एक बात सोच रहा है कि आखिर बीजेपी और आरएसएस चाहती क्या है। तीन काले कानूनों के खिलाफ, एमएसपी के कानून को लेकर के, और अब कहें देश को बचाने का जो आंदोलन बन चुका है और जो बॉर्डरों के ऊपर पिछले 10 महीने से किसान बैठे हैं, और अब हम इनको बॉर्डर नहीं कहेंगे, अब ये धाम बन चुके हैं, और यहां से देश को बचाने की लड़ाई और आंदोलन लड़ा जा रहा है। और लोकतंत्र में बात सुनना, बात मानना सरकारों का काम होता है, लेकिन सरकारों ने सारी हदों को पार करते हुए, केंद्र की मोदी सरकार ने, हरियाणा की खट्टर सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। साथियों, कल तमाम मीडिया चैनलों में, आज तमाम अखबारों में फिर एक खबर छपती है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बयान छपते हैं कि 20 अक्टूबर तक अगर बॉर्डरों के रास्ते नहीं खोले गए तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रास्ते खुलवाएंगे, सरकार रास्ते खुलवाएगी। और इसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा का बहुत क्लियर स्टैंड है। पिछले दिनों जब इन्होंने रास्ते का सिगुफा शुरू किया था, जब इनका हर षड्यंत्र फेल हो रहा है, तो फिर ये रास्ते का सिगुफा शुरू कर देते हैं। और साथियों, उस समय संयुक्त किसान मोर्चा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि रास्ते हमने नहीं रोके, और इस बात को पूरा देश जानता है कि रास्ते किसानों ने नहीं रोके। किसान दिल्ली जाने के लिए आया था, और जहां पर किसान को रोका गया, आपने देखा कैसे बड़े बड़े पत्थर, सड़कें पाट दी गई, किले बिछा दी गई, और वहीं किसान बैठ गया और पिछले 10 महीने से वहीं बैठा है, 1 इंच भी आगे नहीं गया। हम तो दिल्ली के लिए आए थे, दिल्ली जाने के लिए आए थे, रास्ते किसानों ने नहीं रोके, रास्ते सरकार के इशारे पर, हरियाणा सरकार और मोदी सरकार के इशारे पर रास्ते केंद्र की पुलिस फोर्स ने रोके, दिल्ली पुलिस ने रोके, हरियाणा पुलिस ने रोक रखे, हमने रास्ते नहीं रोक रखे। ये हम स्पष्टता से मुख्यमंत्री खट्टर जी को ये बात बताना चाहते हैं, वो झूठ बोलना बंद करें। रास्ते आपने रोके, रास्ते किसानों ने नहीं रोके। और संयुक्त किसान मोर्चा का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, पिछले दिनों भी जब सुप्रीम कोर्ट का झूठा नाम लेकर के और मीटिंग आयोजित की गई सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के, उस मीटिंग का भी संयुक्त किसान मोर्चा ने बाइकाट किया, बहिष्कार किया, और संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कहा कि अगर इतनी चिंता किसानों की है, इतनी चिंता आम जनता की है, तो फिर तीन काले कानून वापिस लीजिए और एमएसपी का कानून दीजिए, हम खुशी खुशी घर लौट जाएंगे और जाकर के अपने खेतों में काम करेंगे, देश का पेट भरेंगे, देश का सम्मान बढ़ाएंगे। आप खोल दीजिए रास्ते, हम दिल्ली के लिए आए, हम दिल्ली जाकर के आंदोलन करेंगे। केंद्र की सरकार कानून लेकर के आई है, संविधान हमें अधिकार देता है। ये बात मनोहर लाल खट्टर जी को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद अब दोबारा से फिर सिगुफा शुरू किया गया कि कल गृह मंत्री से मिले, अमित शाह जी से, और रास्ते का फिर जो सिगुफा शुरू किया। इसमें हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है संयुक्त किसान मोर्चा का, रास्ते सरकार ने रुकवा रखे हैं, किसानों ने कोई रास्ते नहीं रोके। और अब भी हम दोबारा से ये बात कहना चाहते हैं, कि सरकार झूठ बोलना बंद करे, किसानों को चैलेंज देना बंद करे, रास्ते को लेकर के किसी भी प्रकार की चेतावनी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम सीधे तौर पर शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का झूठा नाम लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में
संयुक्त किसान मोर्चा कोई पार्टी नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर बार बार सुप्रीम कोर्ट का झूठा नाम लेकर के जो हमले किए जा रहे हैं ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और खट्टर जी, हम आपको ये बात क्लियर कर देते हैं, आंदोलन लगातार चलेगा, शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चलेगा, बॉर्डरों की तरफ और बॉर्डरों पर एक भी ट्राली इधर से उधर नहीं होगी, ये बात आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ये षड्यंत्र रचना बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए, रास्तों को लेकर के अब जो है कोई हलचल बॉर्डर के ऊपर नहीं होने वाली, हमारी एक झोपड़ी एक ट्राली इधर से उधर नहीं होगी, ये संयुक्त किसान मोर्चा का बिल्कुल क्लियर निर्णय है, बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। और हमें बार बार भ्रमित करने की, जनता को बार बार गुमराह करने की कोशिश ना कीजिए। मैं अंत में सभी देशवासियों से अपील करता हूं, विशेष रूप से हरियाणा से, विशेष रूप से पंजाब से और जो उत्तर प्रदेश हैं उनसे निवेदन करता हूं, ये सरकार जो बार बार मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, बार बार ट्वीट कर रहे हैं, ये फिर इनकी एक नई साजिश है, ये फिर एक आंदोलन के खिलाफ नई साजिश है साथियों। इससे सचेत रहने की जरूरत है और हमें अपने सिंगू बॉर्डर के ऊपर, टिकरी बॉर्डर के ऊपर और गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर और साजापुर खेड़ा बॉर्डर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाने का काम करें। देश के सभी किसानों से, खास करके उत्तर भारत के जो राज्य हैं, सभी युवा साथियों से और किसानों से अपील है कि यह सरकार की एक नई साजिश है, इसको पहले से समझते हुए बॉर्डरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का काम करें। और पूरी नजर, पूरे देश से निवेदन है, पूरी नजर बॉर्डरों के ऊपर रखें, ये बहुत क्रूर लोग हैं, ये बीजेपी वाले षड्यंत्रकारी हैं, ये सारे षड्यंत्र फेल होने के बाद फिर रास्ते के षड्यंत्र के ऊपर आ जाते हैं साथियों। और संयुक्त किसान मोर्चा जो बात कहे उसके ऊपर पूरा ध्यान रखें, पूरी तरीके से सचेत रहें, अपने ट्रैक्टर तैयार रखें और अपने आप को तैयार रखें, यहां ज्यादा से ज्यादा बॉर्डरों के ऊपर अपनी संख्या बढ़ाने का काम करें। और हम ये बात खट्टर जी को स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, वो बार बार हमें धमकी ना दें, वो बार बार हमें चैलेंज ना करें, हमें कोई शौक नहीं है यहां बैठने का, भयंकर खराब मौसम और बीमारियों के बीच में हम बैठे हैं। हम खट्टर जी को एक अंतिम बात कहना चाहते हैं, हम शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन लड़ रहे हैं, जो आप कर सकते हो वो करो, लेकिन ये बात मुख्यमंत्री जी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हम कफन साथ लेकर के बैठे हैं, हम जान हथेली पर लेकर के बैठे हैं। बार बार आप भ्रमित कर रहे हैं, दिल्ली में अपने बीजेपी के लोगों को बुला करके कितनी बार आपने फर्जी संगठन बनवा लिए, कितनी बार तथाकथित किसान बना लिए बीजेपी के लोगों को, आरएसएस लोगों को, कि हमारे से लोकल लोग मिल रहे हैं, हमारे से लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं। लोकल जो यहां के आसपास के गांव हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, वो सारे आंदोलन के साथ हैं, तन मन धन के साथ वो आंदोलन के साथ खड़े हैं। उनको भ्रमित करना, जनता को भ्रमित करना बंद कीजिए और बीजेपी वालों को नकली किसान बनाना बंद कीजिए, यहां की आम जनता हमारे साथ है। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।